नाला सुपारा विरार लिंक रोड से जुड़ी तमाम छोटी से बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई। रोड का बनना हो या डिवाइडर का ना बनना, होने वाले हादसे हो या एक मासूम की मौत, तमाम खबरों से हमने आपको अवगत कराया। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है जहां जनता द्वारा सड़क पर उतरकर आक्रोश व्यक्त किया गया। मनपा की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान खड़े करने के साथ साथ जनता द्वारा पुलिस पर भी कई सारे आरोप लगे। एक तरफ बच्चे के परिवार तथा लोगों के द्वारा बीते दिनों हादसे में जिस बच्चे की मौत हुई थी, उस मामले में पुलिस द्वारा लीपापोती की जा रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस द्वारा लगातार मामले में उचित कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। आइए देखिए इस पूरे मामले में नाला सुपारा के पुलिस निरीक्षक राहुल सोनवने ने हमें क्या कुछ जानकारी दी। 6 तारीख को लगभग 10:30-11 के बीच में नाला सुपारा लिंक रोड पे पृथ्वी रेसिडेंसी के सामने एक बुलेट वाले ने एक 8 साल की लड़की को टक्कर मार के वो जगह से भाग गया था। उस एक्सीडेंट में जो छोटा बच्चा था 8 साल का, उसकी देहांत हो गया है। और जो एक्सीडेंट वाली बुलेट थी वो हमने स्पॉट से रिकवर करके उसमें पुलिस स्टेशन की तरफ से FIR रजिस्टर्ड हुआ है, जिसमें हमने IPC और मोटर व्हीकल के एक्ट के तरफ FIR रजिस्टर्ड होकर तफ्तीश जारी है। मोटर व्हीकल के नंबर प्लेट से हमें उस आरोपी के नाम और उसकी आइडेंटिटी हो गई है। उसके घर पर हमने पुलिस जाके उसकी तलाश जारी है। फिलहाल वो आरोपी फरार है, पुलिस उसको ढूंढ रही है।